जय हिंद दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह परमार बुंदेलखंड अकेडमी का कोच आप लोगों के लिए हाई जंप का एक वीडियो लाया हूं। तो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर हाई जंप का अभी तक आपने वीडियो नहीं डाला। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ एक्टिविटी हैं और हाई जंप पे। तो आप लोगों के लिए इसमें क्या सीखना है कि हम लोगों को हाई जंप कैसे करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए पहले तो आपकी जो रनिंग है वो उसमें थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। रनिंग 100-200 मीटर स्पीड हमेशा बीच बीच में मारते रहो। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम पहले डाल चुके हैं वीडियो में हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज कर ली होगी। कुछ लड़कों का मेरे पास बिहार से कल फ़ोन आया था कि सर जो आपने एक्सरसाइज बताई थी हाई जंप लॉन्ग जंप की, तो वो हमने कर रखी नहीं, उसकी तैयारी कर रखी है। तो अब नंबर आता है हाई जंप का। लॉन्ग जंप का हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। इसी के बीच में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है और आर्मी भर्ती का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो लड़के इंटरेस्टेड हैं वो हमारा जो नंबर वायरल है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो और उसका फ़ायदा ले सकते हो। बुंदेलखंड की तरफ से आप लोगों की जो जितना भी होगा हम लोग आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कई लड़के क्या करते हैं, सीधा 3 फुट लगाते हैं, 4 फुट लगाते हैं और जंपिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे उनकी ना तो टाइम पे उनकी जो हाई जंप की जो क्वालिटी है ना वो निखर नहीं पाती, ना तो शरीर उस हिसाब से काम करता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि छोटे स्तर से शुरुआत करना है। हम लोग बिल्कुल धैर्य रखें, पेशेंस रखें। 4 दिन में आपकी हाइट है जो हाई जंप की वो कम से कम 4 फुट से ज़्यादा निकल जाएगी। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा पेशेंस रखना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे छोटे स्तर से। हम लोग पहले तो कुछ एक्सरसाइज हैं 2-3 वो कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है हाइट में, हाइट के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है कि हम लोगों को हाई जंप कैसे करना पड़ता है। थाई की स्ट्रेचिंग आप लोग नहीं करोगे ना तो आपकी हाई जंप कभी ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे स्तर से, ओके। चलो कुछ एक्सरसाइज है, स्टार्ट। थोड़ा पास में आओ, थोड़ा आगे आओ। आप स्टूल ले सकते हो, बेंच ले सकते हो, कुर्सी ले सकते हो। हमारे पास टायर है ट्रैक्टर का आगे वाला, ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको हाई जंप करने से पहले ये करना है, जितनी बार हाई जंप करोगे ये करके जाना है आपको, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। जितने भी बिहार के लड़के हैं मुझे देख रहे हैं हमारा वीडियो, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को आराम से देखें, उसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, जंपिंग। हम लोग इसलिए आराम से वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग हर चीज़ समझ सको। हमें स्पीड से नहीं बनाना है कि जल्दी से वीडियो ख़त्म करना है। स्टॉप। अभी हम लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज करी थी ए, ठीक है। इसके बाद आपने अभी देखा कि इसने 2 एक्सरसाइज करी, जंपिंग भी किया इसने और इसने एक्सरसाइज भी किया, आप लोगों ने देख लिया लेग्स का। तो इसके बाद अब आती है हाई जंप। तो हाई जंप में आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रॉली का टायर सबसे बेस्ट, इसकी हाइट बहुत कम रहती है। उसके अलावा आप अगर आपके पास स्टूल है उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, उससे कर सकते हो। तो हमारे पास टायर है, पहले हम धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाएंगे धीरे धीरे। चलो, अगर आप टायर से जंपिंग कर रहे हो या स्टूल जंपिंग कर रहे हो तो उसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, दोनों पैर एक साथ ले जाना है। ऐसे नहीं कि एक पैर आगे एक पैर पीछे, वो दोनों आगे पीछे पैर हम कब करेंगे, जब हम लोग रस्सी लगाएंगे 4 फुट नापने के बाद जब हम लोग हाई जंप करेंगे तब हम लोगों को आगे पीछे पैर करना है। अभी हमको एक साथ दोनों नापना है, ठीक है। ये टायर थोड़ा बड़ा है लेकिन चलो कोशिश कर रहे हैं, ये जंप करेगा। स्टार्ट। आगे आओ, इधर आओ, एक बार फिर से कम 3 या 4 बार आप लोगों को जंपिंग करना है, दोनों पैरों से एक साथ करना है। शाबाश, स्टॉप। अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज देख ली है, अभी हम लोग कर रहे हैं हाई जंप विद रस्सी के साथ में, जो कि पीछे आप लोग देख सकते हो ये हम लोगों ने फीते से नाप रखा है, 4 फुट है,
हम लोग आपको भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हाइट कितनी है वो नहीं देखना है, आपको देखना है टेक्निक कि हाइट हाई जो जंप है वो कैसे कर रहा है। हाई जंप में आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका लास्ट पैर है यानी कि जब हाई जंप करते हो आप लोग, जो पैर ज़मीन में रहता है उसको जंपिंग करना है। लेकिन हम लोग उस समय क्या करते हैं, हर बार में भूल जाते हैं। तो लेकिन अब उस समय सपोर्ट क्या करेगा, जो मैंने अक्सर ही बताई हैं वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी हाई जंप में, ठीक है। तो अभी आप देखना, मैं साइड जंप भी कराऊंगा और फ्रंट से सामने से भी कराऊंगा, तो दोनों जंप आप लोग देखना ध्यान से। अभी हम लोग हाई जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाई जंप ये बंदा थोड़ा टेक्निक से करेगा। अभी हम लोग फ्रंट से सामने से कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिना सूज के अगर हाई जंप करते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसमें क्या डायरेक्ट ज़मीन से हमको जंपिंग मिलता है, तो अगर बिना सूज के करते हो तो बहुत बेस्ट है। अभी ये सूज पहन के कर रहा है, इसकी प्रैक्टिस है, अच्छी है, ये कर देगा। लेकिन जिसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है या लगता है थोड़ा सा कि मुझे टच हो सकता हूँ या इसकी प्रैक्टिस कम है, नया बंदा है प्रैक्टिस कम किया हुआ है, तो वो बिना जूतों की हाई जंप करे तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। आप लोग प्रॉपर ध्यान रखना, इसका जो नीचे वाला पैर है ना, ओके वेरी गुड, जो नीचे वाला पैर है इसने उस पर जंपिंग किया है। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर बार में भूल जाते हैं कौन सा पैर उठाना है, और उठा भी रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा लूज पना करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान देना है हाई जंप में, कि जो ज़मीन वाला पैर है यानी जिस पे हम लोग जंपिंग करते हैं वो एक्चुअली पंजे पे आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। एक बार फिर से दिखाएंगे हम लोग करके। हम लोग क्या करते हैं, फुल पैर ज़मीन पर रख देते हैं तो हमको जंपिंग नहीं मिलता प्रॉपर, ओके शाबाश। स्लो मोशन करेंगे हम लोग, आप लोग खुद देख लोगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पाँच फुट, ठीक है। तो आप लोग अभी देखना, हम लोग पाँच फुट करने जा रहे हैं। मैं पहले बोल चुका हूँ कि लड़के दो तरह से कर सकते हैं, फ्रंट से कर सकते हैं, एक साइड से कर सकते हैं। तो कई लड़कों को पता नहीं रहता कि मैं साइड से भी जंप कर सकता हूँ। तो जिन लड़कों ने साइड से जंप कभी नहीं किया वो एक बार देख लो भैया, कि हो सकता है कि आप लोग साइड से सामने से अच्छा कर सकते हो जंप, ठीक है। तो हम लोग अभी चार फुट ही है और हम लोग अभी साइड जंप करेंगे, साइड से आ जाओ। वैसे मेरे हिसाब से देखा जो कंफर्टेबल हाई जंप है वो साइड से सबसे बेहतर होती है, उसमें अपना आपका शरीर है ना पूरा हवा में झूल जाता है, ओके वेरी गुड। अब हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, ओके गो जाओ जाओ। अब हम लोग इसको पाँच फुट कर रहे हैं, चल ये नपा हो गया पूरा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चार फुट से ऑलरेडी पहले जाना ही था, तो अभी हमने ये पाँच फुट कर दिया इसका हाइट, और अब हम लोग करेंगे, ओके ठीक है। अब हम लोग करेंगे फ्रंट से सामने से पाँच फुट का हाई जंप, गो। वेरी गुड, ये टच हुआ है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसका तरीका देख लो, पाँच फुट हाई जंप बहुत होता है भैया, पाँच फुट किसी में नहीं मांगते फिजिकल में। लेकिन अगर बंदा पाँच फुट जंप कर रहा है, अगर थोड़ा टच भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से करेंगे हम लोग, आप लोगों को इसके पैरों पर ध्यान देना है, वेरी गुड। इधर आओ, ठीक। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी बिहार के लड़के हैं और जितने भी फिजिकल पुलिस में हैं या कोई भी सेना हो उसमें अगर हाई जंप लेते हैं ना, तो प्रॉपर आप लोग जो हमने वीडियो बनाया है बड़े आराम से बनाया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसी कोई भी हाई जंप नहीं होगी जो आप क्लियर नहीं कर सकते प्रॉपर। आप सोचो कि दो दिन में नहीं भैया, छः सात दिन में आराम से क्लियर हाई जंप आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो प्रॉपर एक्सरसाइज हमने बताई है कि आप टायर रख सकते हो, स्टूल रख सकते हो, कुर्सी रख सकते हो, इसके बाद ए जंप है, ठीक है, ये कर सकते हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, यानी कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। आपको सब पता है कि बिना वर्कआउट के कुछ नहीं होने वाला, शरीर का खिंचाव, शरीर की नसें और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, ये बिना वर्कआउट के कुछ नहीं होता, शरीर लूज ही रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, आप लोग कमेंट करना किस पे चाहते हो। जय हिंद।